चना की पैदावार को करे 1.5 से 2 गुना। आपने ऐसा थंबनेल पे पढ़ा और वीडियो को क्लिक करके इस वीडियो को देखना शुरू किया है, तो मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर इस वीडियो को टच जब कर ही दिया है तो पूरा देखने के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और पूरा वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि चना के अगर हम इस बार फसल लगा रहे हैं रबी फसल में और इसका हम बेहतर उत्पादन करना चाहते हैं कम लागत में और वो भी 100% ऑर्गेनिक पद्धति में, तो कैसे हो सकता है, इसके लिए पूरा वीडियो देखना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं हूँ नेटवर्क इन्फ्लुएंसर एम राज और आप देख रहे हैं यूथ नेटवर्क कैरियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिए। हर बार पुराने तरीके की जगह कुछ नया तरीका इस बार अपनाना चाहते हैं, या जैसे बार बार पुराने पद्धति पर अभी तक करते आ रहे हैं उसी पद्धति पर इस बार भी खेती करने के बारे में सोच रहे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों मेरे देश के किसान भाइयों, आप लोग जान लीजिए कि हर चीज में आप किसी भी क्षेत्र में एक नजर आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि दिन प्रतिदिन उसमें बदलाव होता है और बदलाव के हिसाब से टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके दुनिया तरक्की की ओर बढ़ रहा है, कम लागत में ज्यादा फायदे लेने के बारे में सोच रहे हैं। वहीं हमारे दूसरी तरफ देश के किसान भाई जो कि अन्नदाता देवता के समान माने जाते हैं, वो उनकी हालात हमारे देश में ठीक नहीं है। वजह पिछले 40-50 वर्षों से लगातार केमिकल खेती करने के वजह से हमारे देश के किसान के हालात गंभीर बने हुए हैं। दोस्तों हम कहने का मतलब क्या चाहते हैं कि पिछले 40-50 वर्षों से लगातार जो केमिकल खेती का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी वजह से धीरे धीरे हमारी मिट्टी कड़क पड़ गई, बंजर हो गई, और जैसे जैसे मिट्टी बंजर होती गई किसानों का लागत बढ़ता चला गया, क्योंकि उसमें जो खाद है, बीज है, वो सारे कॉस्टली और मात्रा बढ़ा के इस्तेमाल करते चले गए। इससे कई नुकसान हुआ, एक तो पर्यावरण का नुकसान हुआ, दूसरा मिट्टी जहरीली बन गई, खराब हो गया, और तीसरा उससे जो उत्पादन निकला जो किसान खाया वो भी बीमार पड़ गया। इसके अलावा भी कई टाइप के और नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान हमारी मिट्टी बंजर बन गई और आज किसानों को खेती बाड़ी से मोह भंग हो रहा है। तो क्या इस बार आप चना का पैदावार करने के लिए सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि बायोफिट का ऑल रेंज प्रोडक्ट जो नेटवर्क कंपनी बनाती है, यह प्रोडक्ट आपके उत्पादन को 1.5 से 2 गुना तक ले जा सकता है। तो आइए इस बार क्या बदलाव करना है, कैसे बदलाव करना है, कैसे खेती करके हम चना के उत्पादन को 1.5 से 2 गुना ले सकते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे स्क्रीन पर आपको ध्यान से देखना चाहिए, हमारे पास जो चना में उपयोग होने वाले जो प्रोडक्ट हैं 100% जैविक बायोफिट, उसको हम देखते हैं SHET। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं SHET, इसके पूरे नाम की बात करें तो सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी। ये मिट्टी का डॉक्टर है, मिट्टी के अंदर जो आपको बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गया है, गुड बैक्टीरिया की संख्या घट गया है, और आज यही वजह है कि किसानों को खेती बाड़ी से मोह भंग हो रहा है, मतलब उत्पादन घट गया है, खर्चा बढ़ गया है, तो हम उसको फिर से ठीक करेंगे। कहने का मतलब सेहत को कहते हैं मिट्टी का डॉक्टर, और हमने सेहत के बारे में या बायोफिट का जो ऑल रेंज का प्रोडक्ट है, हमने सभी वीडियो का सिंगल प्रोडक्ट का स्पेशल जानकारी इस चैनल पे दिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियो आपके सामने में आ जाएगा। तो दोस्तों मैं सेहत के बारे में बता दूं, ये मिट्टी का डॉक्टर है। आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे 2 से 3 ml/L आप सिंचाई के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंचिंग के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखिए इस्तेमाल करने वक्त नमी हमारी मिट्टी में होना चाहिए और पर्यावरण का तापमान 25 से 30 डिग्री मैक्सिमम, उससे नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिए शाम के 3-4 बजे के बाद अगर इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा। मतलब सेहत से जो मिट्टी का डॉक्टर है, इस सेहत से अपने खेत को उपचारित कीजिए। दोस्तों आज तक आपने सुना होगा बीज को उपचारित, कहने का मतलब बीज को उपचारित कर देते हैं तो जो बीज 60-70% अंकुरित होने वाला रहता है वो 70-80-90 हो जाता है। लेकिन आज मैं सबसे पहली बार, आज शायद आप सुन रहे होंगे कि खेत को भी आप सेहत से उपचारित कर सकते हैं, और इससे क्या होगा कि मिट्टी के अंदर जो बैड बैक्टीरिया है वो नष्ट होना शुरू हो जाएगा, गुड बैक्टीरिया मल्टीप्लाई ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा, और आपकी मिट्टी धीरे धीरे बंजर के जगह उर्वरा भुरभुरा और मुलायम बनता जाएगा, और यहीं से आपका उत्पादन बढ़ने का राज पता चलेगा। दोस्तों आप दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास स्टिमरिच है, जो कि आप देख सकते हैं ये स्टिमरिच, इसके बारे में भी हमने सारे वीडियो डाल चुका है इस चैनल पे, आप देख सकते हैं
बीज को उपचारित करने के लिए हम स्टीवरेज का उपयोग करेंगे और खेत को उपचारित करने के लिए हम सेत का इस्तेमाल करेंगे। बायोफिट स्टीवरेज प्रोडक्ट एक फायदे अनेक, कहने का मतलब हम इसको बीज को उपचारित करने में भी प्रयोग करेंगे ताकि बीज आपका 60-70% के जगह पे 90-95% जर्मिनेशन होगा, अंकुरित होगा। साथ ही साथ पौधे के हर एक विकास चरण में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि पत्ता जब दो अंकुरित जब होता है, दो पत्ते का रहता है फर्स्ट डोज, उस समय जब विकास होता है पौधे का उस समय दूसरा डोज 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद तीसरा, जब उसमें शाखा आने का टाइम रहता है तीसरा चरण में यूज कर सकते हैं, फूल आने का टाइम होता है चौथा बार इस्तेमाल कर सकते हैं, फल आने का टाइम होता है पांचवा बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद जरूरत के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्टीवरेज से बीज को उपचारित, सेत से खेत को उपचारित, और यकीन मानिए दोस्तों यही दो बातें जो मैं बताया हूं इसी से आपका पैदावार चने का 1.5 गुना होगा। आइए बीज को उपचारित कैसे करें, यह एक महत्वपूर्ण और मेन पार्ट है, इसको हम पूरा बारीकी से आज समझते हैं। दोस्तों आपको पता होगा कि चना का बीज कठोर होता है, मतलब कठोर होने की वजह से उसको हमें क्या करना चाहिए कि उसको रात भर पानी में भिगोना चाहिए, फुलाना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई पानी का टैंक होगा, जगह होगा, कोई पात्र होगा उसका बर्तन, उसमें क्या करेंगे हम पूरा पानी भर देंगे, 10 ml/L के हिसाब से स्टीवरेज का प्रयोग करेंगे, ज्यादा पानी रहेगा तो 5 ml/L के हिसाब से हम स्टीवरेज का मिलाने करेंगे मिलाएंगे और उसको पूरा पानी को और स्टीवरेज को मिला देंगे और उसमें पूरा चना भर देंगे, रात भर छोड़ देंगे। जैसे ही सुबह होगा चना एकदम मुलायम हो जाएगा, बहुत सारे लोग कच्चे चना को भी फुला करके खाते हैं, सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, प्रोटीन विटामिन पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों सुबह में उसे निकाल करके छांव में आधे घंटे से 40 मिनट सुखा दीजिए और उसके बाद जो सेत से अपने खेत को पहले ही बीज बोने से पहले उपचारित कर लेना है और उपचारित करने के बाद इस बीज को, उपचारित बीज को जब खेत में ले जाएंगे, खेत भी उपचारित है, यकीन मानिए आपके पौधे में किसी तरह का जो अभी तक जो प्रॉब्लम आ रहा है, फंगिसाइड आ रहा है, कीटनाशक आ रहा है, वो बिल्कुल घट के आधा हो जाएगा, लागत भी कम हो जाएगा, यूरिया की जरूरत नहीं पड़ेगी और डीएपी पोटास सल्फेट वगैरह जो देते हैं वो भी आपको आधा मात्रा में ही देना है, आधा मात्रा में जो खर्चा बचेगा उधर उसका बायोफिट का हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने में अच्छा लगा है तो लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाइए और आगे बढ़ के हम बात करेंगे कि पौधे को जब बड़ा होता है, पौधा सुरक्षित रहता है, किसान का दिल खुश होता है, उसी समय में कीट पतंग का जो रस चूसने वाले, थ्रिप्स वाले और बहुत तरह के कीट पतंग होते हैं जो कि पौधे पर अटैक करके पौधे को, फल को, फूल को नुकसान पहुंचाते हैं, वैसे उनसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए 100% बायोफिट में जैविक प्रोडक्ट है इंटैक्ट, जो आपके कीट पतंग को दूर करके रखेगा, आपके पौधे को सलामत रखेगा, सुरक्षित रखेगा। और एक प्रोडक्ट जो आप देख रहे हैं वैक्सीन के रूप में, प्लांटेशन वैक्सीन, कहने का मतलब पौधे का वैक्सीन बायोफिट रैपअप, ये बायोफिट रैपअप जिस प्रकार से हम छोटे छोटे बच्चों को ईसीजी बीसीजी खेसरा पोलियो का टीका लगाते हैं, अभी तो बच्चे बूढ़े जवान सब लगा रहे हैं वैक्सीन कोरोना का अपनी सुरक्षा के लिए, उसी प्रकार से दुनिया की पहली कंपनी नेटसर्फ बायोफिट ब्रांड के अंतर्गत रैपअप निकाली है जो कि पौधे का टीकाकरण है। आज तक बच्चों को लग रहा था, पशु को लग रहा था, पक्षियों को लग रहा था और बच्चे बूढ़े जवान और सबको लगने लगा, अब हमारी कंपनी ने उसी प्रकार से पौधे की सुरक्षा के लिए उनके थ्रिप्स या फिर बांझपन या कुकरापन मठुरियापन जो आ जाता है प्रॉब्लम वो न आए इसके लिए रैपअप बना दिया है। बचपन में ही टीकाकरण जब इसका कर देंगे तो उसमें वायरस मठुरियापन कुकरापन वगैरह वगैरह जो आ जाता है वो नहीं आएगा और आपका पौधा जितना लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा, हरा भरा रहेगा, उतना ही पौधे का ग्रोथ होगा, उतना ही ज्यादा शाखाएं आएंगे, उतना ही ज्यादा फूल आएंगे और जितने ज्यादा फूल आएंगे उतने ज्यादा फल आएंगे और जितने ज्यादा फल आएंगे तो मैंने थंबनेल पे जो दोस्तों लिखा 1.5 से 2 गुना उत्पादन आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपको भरोसा ही नहीं, गारंटी, लिखित गारंटी आपने देखा होगा लिखा था, लिखित गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप 1.5 से 2 गुना अगर शुरुआती दौर से इस्तेमाल करते हैं हमारे तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति पे बायोफिट के साथ जैविक खेती करते हैं तो 100% आपका उत्पादन 30-40% तक निश्चित रूप से ग्रोथ होगा, साथ ही साथ खर्चा में बढ़ोतरी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ उत्पादन में बढ़ोतरी होगा। यदि मेरी बातों से मेरे ऊपर भरोसा हो रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए और मेरी बातों पे भरोसा हो रहा है तो स्क्रीन पर दिया गया नंबर को आप नोट कीजिए, हमारे साथ संपर्क कीजिए और इस बार चना के उत्पादन को 1.5 से 2 गुना करने के लिए
हमारे साथ प्रोडक्ट मंगा करके डिस्काउंट पे इस्तेमाल करने का तरीका सीखिए, ट्रेनिंग लीजिए और इस्तेमाल करके चने के पैदावार को 1.5 से 2 गुना कीजिए। फिर मिलते हम अगली बार इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, नए फसल के जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। फिर मिलता हूँ, बाय बाय, गुड डे, बाय, टेक केयर।